जिसको अच्छा लगे तो देखो, नहीं जाओ भाड़ में, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुबह तिवारी ब्लॉग्स। तो आज हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए और आज हम घर का ब्लॉग शूट करेंगे, अपने पूरे घर का, अपना सुबह से शाम तक का अपना पूरा वर्क दिखाएंगे और बीच में हमको अगर कहीं जाना पड़ा तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा बहुत सारा सपोर्ट करिए। क्योंकि सॉरी कॉल आ गया था इसलिए मैंने अपना वीडियो कट किया। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और हमारी इंस्टा आईडी है नैन्सी सपना के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और थोड़ी मेरा लिपसिंग फंस रहा है, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम मिलेंगे अपने पूरे डेली ब्लॉग में, आज से अपने घर का पूरा वीडियो दिखाएंगे, अगर बीच में हमको कहीं जाना पड़ा तो वो भी हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, हम आरती करने चले गए थे, यहाँ पे आलू कट चुकी है और मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। इधर ही अपने भाई साहब के लिए चाय बना रहे हैं, ये देखिए इधर। और आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप सबको पता था कि हम बोले थे कि हम अगर कहीं जा भी सकते हैं तो अचानक प्लान हम लोगों का बना कि हम लोग वेंकटेश मंदिर जाएंगे घूमने। एक्चुअली में हम लोग पर्सनल वेंकटेश मंदिर नहीं गए थे घूमने, हम लोग किसी काम से गए थे मोबाइल शॉप में थोड़ी सी रिपेयरिंग करवानी फ़ोन की। तो ये है हमारे सतना जाने का व्यू, बहुत तेज़ धूप थी फिर भी हम लोग गए। फिर ये देखिए हमारा वेंकटेश मंदिर का गार्डन, आप लोग देखिए कितना प्यारे यहाँ मूर्ति हैं, परशुराम जी हैं, यहाँ बहुत प्यारे प्यारी रेल बनती हैं, बहुत अच्छे मंदिर। तालाब का पानी सूखा हुआ है, ये चारों तरफ का व्यू है वेंकटेश मंदिर का, ये देखिए कितना प्यारा लगता है। यहाँ आप लोग ज़रूर रील्स आइए, रील शूट करिए। यहाँ देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छे से खेल रहे हैं। मुझे तो इसमें बहुत डर लग रही थी कहीं ये लोग गिर ना जाएं। उसके बाद ये देखिए यहाँ अभी थोड़ी धूप थी हल्की हल्की, इसलिए शाम को भीड़ नहीं थी। इधर देखिए रात में ये लोग सो रहे थे इधर ये सो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप सबको बता दें कि डेली ब्लॉगिंग आज हुई है, आज मैं दोपहर में सो गई थी इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। एक्चुअली में क्या है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती कि तो आप मेरा वीडियो देखिए, लेकिन जब देख रहे हैं तो आपको हेट कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। देखिए किसी को कोई सरकारी जॉब के लिए तैयारी करता है तो कोई करता है कि नहीं मैं टीचिंग लाइन में जाऊँगी, कोई प्राइवेट जॉब की तैयारी करता है, किसी किसी का होता है कि नहीं मैं यूट्यूब में वीडियो डालूंगी। अपनी पर्सनल बात अगर शेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो लग रहा है कि मेरे वीडियो बनाने में, मुझे एक कमेंट आया कि दी आप पहले डांस सीख लो उसके बाद आप यूट्यूब में, ठीक है आप सिखा दो ना। हम ये कहते हैं कि अगर मेरे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं आपके तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होती है भाई, मत देखो, क्या नाम था हनुमान पाठक करके था कोई, तुम्हें अगर व्यूज़ में दिक्कत है मेरे मेरे यूट्यूब में मेरे डांस वीडियो में दिक्कत हो मत देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थी रेडियो रिका करके, वो भी कमेंट किया करती थी, वो अब सुधर गई। उसको मैंने बोला कि नहीं अगर अब तुम कमेंट की तो मैं तुम्हारे खिलाफ, ऐसा नहीं होता कि जीमेल अगर अलग से बना के आप कमेंट कर दो कुछ पता नहीं होता। अगर मेरी पर्सनल लाइफ में आप लोगों ने इंटरफेयर किया तो बहुत गलत होगा, ठीक है ना। अगर आपको देखना है ब्लॉग देख रहा है मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो देखो, हेट कमेंट करने वाले को। बाकी मेरे कुछ जो मुझे प्यार करते हैं मेरे यूट्यूब में है, मुझे बहुत पसंद है वो, उनकी ये है कि वो देखते हैं बट कमेंट नहीं, कमेंट करना तो उनका प्यारा ही कमेंट आता है, दो तीन लोगों का हुआ है। एक मिनट मैसेज आया। एक्चुअली में क्या, मेरे पास बहुत काम रहते हैं, मैं वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ, ठीक है ना, मेरे पास घर के काम भी होते हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम को टाइम देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया मुझे जाना, मुझे सोशल मीडिया में अपना हुनर दिखाना मुझे अच्छा लगता है। देखिए शुरू से ही कोई बड़ा मॉडल नहीं बन जाता, कोई बड़ा शुरू से हीरोइन नहीं बन जाता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप लोग बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट के साथ साथ मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए, क्योंकि दो मंथ बचे हुए हैं मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में। और मेरी ननद रानी जुट के आ गई हैं, वो देखिए वो, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के कारण मैं अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
और आजकल के घर में कारण तबीयत भी खराब हो रही है, तो मैं तो मेरा खाना वगैरह 9 बजे बन जाता है सुबह, और हम लोग रूम के अंदर आ जाते हैं क्योंकि यहाँ एसी लगा हुआ है, यही सब लोग फिलहाल लेटते हैं, यहीं आ जाते हैं। और सभी लोग हमारे पूरे पूरी फैमिली यहीं सोते हैं, पापा बस हम बाहर सोते हैं क्योंकि पापा को देखना पड़ता है, बाकी हम लोग विद फैमिली यहीं सोते हैं। और ये देखिए मेरी छोटी सी बहन है, ये हमको बोलना नहीं देती, दूसरों का ब्लॉग इतना देखेगी ये नहीं कि अपने भाभी का सपोर्ट करे, भाभी का ब्लॉग अपने भाभी के ब्लॉग में कभी नहीं आ सकती, ये नहीं सोचती कि अपने भाभी का सपोर्ट करे, ये है जलती जलती होगी तभी तो सब्सक्राइब नहीं की मेरा चैनल हम जलते हैं ना, मैं तो तुमसे नहीं जलती, नहीं हम लोग जलते हैं एक दूसरे के दुश्मन, नहीं पता तुमको, नहीं पता मुझे, सब लोग तो यही बोलते हैं हम लोग जलते हैं, तो सबके बोलने से क्या होता है, सब तो बोलते हैं लेकिन हैं। लेकिन मैं रियल में बोल रही हूँ, तुम मेरे से जलती हो क्योंकि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अपने फोन से, आखिर एक सब्सक्राइबर से तुम्हारा क्या चला जाता, दूसरों का ब्लॉग तो देखती हो कभी, मेरे ब्लॉग में सोचती हो चलो बिट्टू ब्लॉग बना लूं, कभी बोलती हो दूसरों का ब्लॉग देखती हो, कभी बोलती हूँ चलो ब्लॉग ब्लॉग वीडियो बना लूं, क्या बनाऊं जब देखती हूँ पूरा दिन घर में देखती हूँ। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको मेरे चैनल में झूठ फरेब की एक टिप्स भी नहीं मिलेगी, वो बात अलग है, कुछ झूठा कंटेंट बना के डाल दे, थंबनेल इसलिए बनाती हूँ कि देखिए आज के डेट में कोई ब्लॉगिंग देखना पसंद नहीं करता है, मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर थोड़ी बहुत चीज से वो करती हूँ शेयर करती हूँ तो किसी को टेंशन और किसी को जलन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये देखिए इधर अपने पैर दबा रहे हैं, मेरी वीडियो नहीं आती, देखो अपना ही दबा रही है ना, दबक बोल देंगे लोग भाभी से मैं काम करवा, मेरी सुप्रिया पहले इतना ज्यादा ब्लॉग वीडियो मेरे चलिए ना ब्लॉग बनाते चलिए ना, ये जब से टेंथ पहुंच गई मेरे ब्लॉग वीडियो तक में नहीं आती है, लड़की बहुत दुष्ट हो चुकी है, बनाती है बस थोड़ी जलती बस है, और आपको मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 2 मंथ बचे हुए हैं मेरे पास, देखो गिर गई, 2 मंथ बचे हुए हैं मेरे पास चैनल मोनेटाइज होने में, तो आप लोग मेरी मदद करें क्योंकि मेरा वर्स्ट टाइम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर तो अच्छे मेरे हो चुके हैं, बस जल्दी से जल्दी से मेरा वर्स्ट टाइम भी कंप्लीट कर दीजिए, और जलने वालों को मैं और बोलूंगी कि जलने वाले घी डालो और बोलो स्वाहा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी जलता रहे, और मेरे सब्सक्राइबर कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके सब्सक्राइबर कितना जल्दी कंप्लीट हो गए, तो मेरी मेहनत से सब्सक्राइबर कंप्लीट हुई है, ठीक है ना, मैंने मेहनत की है, आप भी मेहनत करो, और रही बात फेमस होने की, तो कोई 1 साल 6 महीने में फेमस नहीं हो जाता, फेस वैल्यू बनाना पड़ता है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नैन्सी सतना के नाम से, आप जाके वहाँ फॉलो करिए, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप फॉलो करिए, मेरी डेली की उसमें रील्स आएंगी, रीवा सतना में जाती रहती हूँ रील्स बनाने, तो आप उसमें फॉलो सब्सक्राइब करिए, एक्चुअली में क्या मुझे भी पता है कि आज के डेट में किसी का ब्लॉग देखने को किसी का टाइम नहीं है क्योंकि इंसान खुद के पर्सनल लाइफ से इतना बिजी है, लेकिन इसके पास है, ये नेहा दासी के एक वीडियो मिस नहीं करती है, इतना उसे मानती है उनके लिए, और मैं भी पहले देखती थी राजा ब्लॉग का वीडियो देखा करती थी मैं, बट देवी जी राजा ब्लॉग और देवी जी का, बट मुझे ज्यादा खास नहीं लगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट, मैं देखती थी देवी जो है राजा ब्लॉग देवी जी का वीडियो, तब मैं नहीं देखती क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अब वो, बिल्कुल भी नहीं, हाँ थोड़ी बहुत मैं ब्लॉगिंग देखना पसंद ही नहीं करती, करती हूँ मैं खुद करती हूँ ब्लॉगिंग, मैं दूसरों को देखना नहीं पसंद करती क्योंकि पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, टाइम ही नहीं ना इतना मुझे, मैं 9 बजे अपना खाना पीना थोड़ा बहुत बनाई, 10 बजे अपने रूम में आके काम करना स्टार्ट कर दी, हम लोग इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत रील्स देख लिए, और हमारी बघेली कलाकार नेहा पटेलिन जी हैं उनका भी वीडियो मैं वॉच करती हूँ क्योंकि वो हमारे रीवा जिला की एक बहुत कलाकार, एक बहुत अच्छी बघेली कलाकार है, प्राउड हो चाहिए हमारे बघेली में इतनी अच्छी कलाकार आई हैं, तो आप लोग जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वो कल या परसों तक हमारे घर भी आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो चैनल को उनके जरूर जाके सब्सक्राइब करें फॉलो करें, नेहा पटेलिन के नाम से उनका इंस्टाग्राम आईडी है, उनका बहुत सारा सपोर्ट करें क्योंकि हमरे जौन है एमपी माँ पहली बिटिया सब है, ये जौन
इतना अच्छा बघेली कलाकार में उनके मुंह से, मतलब हम लोग बोलना भी चाहे ना तो नहीं बोल सकते। हर कला उनके उनके जैसे हर कला की हर किसी के पास नहीं होती है। तो आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें, डेली ब्लॉग आएगा आप देखिएगा। तो कुछ पर्सनल बातें बागेश्वर धाम के लिए आप किसी के साथ शेयर करनी है, कल मैं पक्का वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वॉच जरूर करिएगा। हमारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, और मैं इतना बता दूं कि बागेश्वर धाम जाने के लिए थोड़ी पैसे की हम लोगों को जरूरत थी, तो अचानक अचिन जी के अकाउंट में अचानक किसी ने पैसे डाल दिए, पता नहीं चला कि किसके अकाउंट से पैसे आए अचानक। हम लोग को कल बागेश्वर धाम जाना था, और आज हम लोग के अकाउंट में 2000 रुपए आ गए थे। तो ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है हमारे साथ, तो भगवान बालाजी हम लोग को हमेशा ऐसा ही चमत्कार करते रहें और अपना आशीर्वाद बनाए रखे हमारे परिवार के ऊपर और हमारे मोटल्लों के ऊपर भी इसके ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल में। काफी ब्लॉग ज्यादा हो गया क्योंकि मैं 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, आज 7-6 मिनट का हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ पर्सनल ब्लॉग चाहिए तो मैं आपको जरूर बना के दूंगी, आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा ब्लॉग चाहिए। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हमें प्यार देते रहिए और ऐसे ही हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग देते रहिए। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग हेट कमेंट करते हैं, तो हेट कमेंट वालों को जैसे मैंने पहले बोला कि घी डालो बोलो स्वाहा, वही वाला रूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। सोशल मीडिया में देखो, कुछ लोग गाली भी देंगे, कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे, तो गाली देने के पीछे वालों को भागेंगे तो हमारा कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक है। अभी बीच में मैंने ब्लॉगिंग इसी कारण नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट आते थे, मैं उनका नाम भी लूँगी अभी दिखाऊँगी भी, एक हनुमान पाठक करके हैं, मैंने उनको अच्छा सुनाया भी था, हाइड कर दिया मैंने उन्हें। बट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके से बहुत सारी बात होंगी। ओके बाय बाय, लव यू।